हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू वीजे बर्ड्स लवर। फ्रेंड, आज मैं अपने सभी बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स करवाने जा रहा हूं, तो सोचा वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। कुछ दिन पहले मैंने लीवर टॉनिक का कोर्स करवाया था, तो वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी और उस वीडियो में मैंने बताया था कि लीवर टॉनिक बर्ड्स के लिए क्यों ज़रूरी है। अचानक से बहुत तेज़ गर्मी होने लग गई थी तो मैंने लीवर टॉनिक का कोर्स करवाया था। बाकी वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आखिर में दे दूंगा। तो आज मैं अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि दो दिन हो गए बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी कल रात को, ठंडी हवाएं भी चलना स्टार्ट हो गई, तो ऐसे में बर्ड्स के बीमार होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मौसम में जब भी बदलाव हो, लीवर टॉनिक का भी आप कोर्स करवाते हैं और साथ में एंटीबायोटिक का भी आप कोर्स करवा दें। तो बारिश होना स्टार्ट हो गई है तो मैंने सोचा कि एंटीबायोटिक दी जाए, क्योंकि बर्ड्स में जो है बरसात के मौसम में वायरल इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा बर्ड जो है वो फूल कर बैठना शुरू हो जाते हैं, बर्ड्स में फीवर आ जाता है, कोल्ड भी हो जाता है, कई बार लूज मोशन भी हो जाता है। तो एंटीबायोटिक बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, खासकर उस समय जब मौसम में बदलाव हो। मैं कौन से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करता हूँ ये आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो आप ये देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। काफ़ी समय से मैं इसको करवा रहा हूं और बेहतरीन रिजल्ट है इसका, डोज भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये है एंड्रोफ्लॉक्सिन ओरल सॉल्यूशन, एंड्रोस्ट्रॉन्ग 10%, एंड्रोफ्लॉक्सिन ओरल सॉल्यूशन एंड्रोस्ट्रॉन्ग 10%। ये आपको किसी भी वेटनरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। अगर जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपको ये नहीं मिल रही तो आप वेटनरी वाले को आप बोल दें, वो आपको अरेंज करवा देंगे। हो सकता है एक्स्ट्रा चार्ज वो लें, लेकिन वो आपको अरेंज करवा सकते हैं। तो ये मैं यूज़ करवाता हूँ हमेशा ही, अभी इसमें काफ़ी बचा हुआ है और नहीं भी मेरे पास पड़ी है, तो फ़िलहाल ये दो दिन ये इस्तेमाल हो जाएगी, फिर 3 से 4 दिन मैं कंटिन्यू जो है ये मैं इसका कोर्स करवाऊँगा। तो इसका जो डोज़ मैं देता हूँ, 1 लीटर पानी में 2.5 ml, याद रखे, एक बार फिर से बोल देता हूँ, 1 लीटर पानी में 2.5 ml, इससे ज़्यादा ना दे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ml, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड मेडिसिन है तो हो सकता है आपके बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वही डोज दें। ये जो ढक्कन है ये 4 ml का है मेरे पास, क्योंकि पैमाना जो था इसका, जो एक ढक्कन आता है नापने वाला, वो पता नहीं कहाँ चला गया तो मैंने इसी से नाप लिया है। तो 5 ml का मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो मैं पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ ये जग आपको नज़र आ रहा है ये 2 लीटर का है, तो मैंने 5 ml इसमें जो है इसे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया है। आप अगर कम पानी लगाते हैं तो 1 लीटर पानी में 2.5 ml के हिसाब से, आप जितना पानी लगाते हैं उसके हिसाब से आप अपना डोज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लें, ये अभी सभी बर्ड्स के पिंजरों में लग जाएगा। तो बारिश हो रही है तो ऐसे में हमें जो है, और बारिश ना भी हो तो कोशिश करें समय समय पर अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स ज़रूर करवा दें। बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप 40 दिन 50 दिन में एक बार आप ज़रूर करवा दें, और मौसम में जब बदलाव हो तब कोशिश करें कि ज़रूर एक बार कोर्स ज़रूर करवा दें, जिससे कि हमारे बर्ड्स का इम्यूनिटी सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, कोई वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर होता भी है तो बर्ड्स को जो है अंदर उसको लड़ने की उसमें ताकत होती है, क्योंकि अंदर से बर्ड्स मजबूत रहेगा तो किसी भी बीमारी से वो लड़ सकता है। तो देख लें, सभी बर्ड्स को मैं दे रहा हूँ, सभी बर्ड्स पी भी रहे हैं, 3 से 4 दिन ये मैं दूंगा और फिर मैं रोक दूंगा। मटकियों में बच्चे हैं तो भी आप दे सकते हैं, मेरे भी अभी सेटअप में ब्रीडिंग चालू है, आप सभी जानते ही हैं, फिर भी मैं कोर्स करवा रहा हूँ तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। काफ़ी समय से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका, बर्ड्स हमारा हेल्दी और फिट रहता है। बस आपको डोज सही देना है, कोई भी आप जो है वो मेडिसिन का इस्तेमाल करें या सप्लीमेंट्स भी आप यूज़ करते हैं तो सही डोज का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर डोज सही नहीं होगा तो वो बर्ड्स के लिए जो है कई बार जो है वो नुकसानदेह भी हो जाता है। तो डोज का प्रॉपर ख्याल रखें, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 1 लीटर पानी में इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो 1 लीटर पानी में 2.5 ml का इस्तेमाल करें, कम पानी लगाते हैं तो इसके हिसाब से आप डोज बना लें, ठीक है। तो फ्रेंड, यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और वीजे बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।